शर्मा और सिरोही से शरद टांग जुड़े हुए हैं। चलिए सबसे पहले रुक करते हैं सिरोही से शरद टांग का। शरद, अगर हम आज की बात कर लें तो वहां पर मौसम के क्या हाल है? माउंट आबू के साथ साथ में पूरे सिरोही में शीतलहर चल रही है, जो सर्दी का टॉर्चर है वो जारी है। और भले ही तापमान में दो दिन से उछाल आया हो, लेकिन इस हार्ड कंपकंपाने वाली सर्दी ने सबको दूजनी छुटा दी है। कुछ पर्यटक हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। वो दिल्ली से आए हैं। सर, दिल्ली से आप आए, विजिबिलिटी कैसी है? सर, विजिबिलिटी तो बढ़िया थी, थोड़ा धुंध थी बीच में, लेकिन यहाँ राजस्थान में काफी अच्छा मौसम है दिल्ली के मुकाबले। लेकिन दिल्ली, हमने सोचा कि राजस्थान में गर्मी होगी, लेकिन यहाँ काफी सर्दी है, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है घूमने आके, अच्छा बताया। आप दिल्ली से आए, कैसी लगी दिल्ली की सर्दी में, और इस सर्दी में क्या डिफरेंट? दिल्ली में बहुत सर्दी है, हमने सुना भी था कि राजस्थान में भी सर्दी है। हम बहुत वुलन क्लोथ्स वगैरह लेके आए, और मतलब जरूरत भी पड़ी, और हमने सुना है कि माउंट आबू में माइनस में जा रहा है और बर्फ भी जमी हुई है, तो हम सोच रहे कि हम एक बार घूम के आ जाए माउंट आबू भी। तो जयकृति, आप देख सकते हैं कि जो सर्दी का टॉर्चर है वो लगातार जारी है, और विजिबिलिटी, जो वाहन चालक हैं सड़कों पर दौड़ते हैं, उन्हें भी विजिबिलिटी की कमी की वजह से काफी परेशानियों का सामना पड़ रहा है, और लोगों का जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है, दिनचर्या बिगड़ी है, और सर्दी से बचाव के लिए वो अलाव का सहारा ले रहे हैं, और जो पर्यटक है खासकर, उन्हें सर्दी को लेकर काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल शरद, आप बने रहिए हमारे साथ, चलिए आगे बढ़ते हैं। रुक कर लेते हैं जयपुर से हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी का। सौरभ, अगर हम बात राजधानी जयपुर की करें तो तापमान कितना बना हुआ है मौसम विभाग? जी बिल्कुल मनोज, तो आप बने रहिए हमारे साथ, चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं सिरोही से हमारे सहयोगी शरद चाक का। शरद, इस ठंड का लोगों की दिनचर्या पर क्या कुछ असर पड़ रहा है? आपके साथ लोग मौजूद है, उनसे बात कीजिए और जानिए वो कैसा महसूस कर रहे हैं इस कड़कड़ाती ठंड में। बिल्कुल जयकृति, जो लोगों की दिनचर्या बिगड़ी है वो स्वाभाविक है, क्योंकि वो जो डेली रूटीन के काम काज है वो देरी से शुरू हो रहे हैं, जल्दी से घर आ रहे हैं। कुछ पर्यटक और हैं, उनसे बात करते हैं कि आप घूमने आए हैं, दिनचर्या पर क्या प्रभावित हुई? जैसे पहले रूटीन में अलग टाइमिंग होता था, अब टाइमिंग बिगड़ा आपका? ये है, सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता और दिल करता है बस रजाई में बैठे रहे, और नहाने का भी कई बार मन नहीं करता। सर्दी को निजात के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? बस चाय, कॉफी और गर्म गर्म चीजें, सूप वगैरह, साथ में गर्म स्वेटर्स। अभी तो कैप नहीं ली हुई, अंदर पड़ी है हमारी गाड़ी में कैप वगैरह, वो सब। आप घूमने के लिए निकले हैं तो स्वाभाविक है कि लगेज भी बढ़ गया होगा सर्दी की वजह से, ज्यादा सामान इतना भरा गाड़ी में, बहुत मुश्किल से रखा है। वस्त्रों का अलग से लगेज? हाँ बिल्कुल, जैकेट्स वगैरह का इतना सामान ज्यादा है, तो हम बहुत टाइट बैठे हैं, सामान ही बहुत ज्यादा है हम लोगों का। घर से सोच के चले थे कम लेके चलेंगे, पर ठंड है तो लेना भी पड़ा सब सामान बहुत। आप लगातार घूम रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो गाड़ी चलाने में दिक्कत आ रही है, तो कहीं कहीं जगह गाड़ी रोक कर खड़ा करना पड़ रहा है? कहीं कहीं जगह विजिबिलिटी की काफी मतलब की धुंध है, कई रास्ते मिल रही है, मौसम सर्द होने का गाड़ी भी अपनी स्पीड से उस हिसाब से नहीं चल पा रही। हम सोच के तो आए थे कि मौसम मतलब की कूल होगा, बढ़िया होगा, पर सर्दी ने यहाँ पे भी अपना अच्छा प्रभाव दिखा रखा है। दिल्ली में ठंड तो खूब अच्छी पड़ रही है, और दिल्ली के मुकाबले यहाँ भी ठीक ठाक है, और माउंट आबू में सुना कि माइनस डिग्री में टेम्परेचर चला गया था, और वहाँ पर बर्फ भी जम गई थी, और हमारा सबका यही विचार है कि एक बार हम भी माउंट आबू जाके आए और वहाँ के मौसम का भी इंजॉय करें। जयकृति, लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है, जो पर्यटक है उनकी दिनचर्या प्रभावित हुई है, हालांकि उनके घूमने का जो उत्साह वो कम नहीं हुआ है, लगेज है जो हर बार की तरह वो लेके आते हैं। शरद, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे साथ मनोज जुड़े हुए हैं, सौरभ भी जुड़े हुए थे लगातार। सौरभ और मनोज, शरद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तस्वीरों के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं।